एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कद में भी बहुत छोटा था और उसकी नाक भी चपटी थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहा करता, क्योंकि उसकी नाक चपटी होने के कारण उसको लोग बहुत चिढ़ाते थे। उस व्यक्ति के पिता की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी एवं वह व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। घर की देखरेख माँ ही करती थी। अत्यधिक कठिन परिश्रम वह व्यक्ति करता, परंतु कठिन परिश्रम के बाद भी वह व्यक्ति बहुत कम धन कमा पाता। घर का खर्च चला पाना मुश्किल पड़ता था। समय व्यतीत हुआ। एक समय ऐसा आया जब उस व्यक्ति की माँ का स्वर्गवास हो गया। वह व्यक्ति इस असहनीय पीड़ा को सहते हुए माँ को याद करके रोता रहता, क्योंकि वह अब अकेला हो चुका था। उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति उससे मिलने आए तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ने इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की। समय की गति को कोई भी नहीं रोक सकता, समय अपने चाल से चलता ही रहता है। अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए मेरी सलाह मानो तो विवाह कर लो। उस युवा व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि मैं विवाह तो कर लूँगा, परंतु सुंदर लड़की से विवाह नहीं करूँगा, नहीं तो वह भी औरों की ही तरह मेरी चपटी नाक का मजाक उड़ाएगी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जैसी ही चपटी नाक वाली लड़की से तुम्हारा विवाह करवा दूँगा। कुछ समय बाद उस युवा व्यक्ति का विवाह एक चपटी नाक वाली लड़की के साथ हो गया। वह व्यक्ति अपने ही जैसी लड़की के साथ विवाह करके बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि अब सभी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, परंतु लोग अब उन दोनों पति पत्नी का मजाक बनाने लगे, क्योंकि दोनों की नाक चपटी थी। एक दिन उस युवा व्यक्ति के यहाँ एक तपस्वी साधु आए। साधु को देख उन दोनों पति पत्नी ने साधु का बड़ा सत्कार किया। उन दोनों की सेवा से साधु बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने कहा कि मैं तुम दोनों की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ। वह दोनों पति पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तब उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप पहले वरदान में धन मांगिए, जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाए। उस युवा व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अभी धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी और मेरी नाक चपटी है, लोग इसका मजाक बनाते हैं, इसलिए पहले वरदान में सुंदर नाकों को मांगता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, सबसे पहले धन मांगिए। परंतु उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बातों को नहीं माना और साधु से बोला, साधु महाराज, हम दोनों को सुंदर नाकें दे दीजिए। साधु ने तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी के शरीर में बहुत सारी नाकें निकल आईं, क्योंकि उस व्यक्ति ने नाक की जगह साधु से नाकें मांगा। यह देखकर वह दोनों बहुत दुखी हुए। तब युवा व्यक्ति ने साधु से कहा, साधु महाराज, यह तो अनर्थ हो गया, हमें यह नाकें नहीं चाहिए। साधु ने तथास्तु कहा और उन दोनों के शरीर से सभी नाकें गायब हो गईं। वह दोनों बिना नाक के हो गए। व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, यह तो और भी अनर्थ हो गया, अब आप हम दोनों की वही पुरानी नाक वापस कर दीजिए। साधु ने तीसरे वरदान में उन्हें पहले के ही जैसा चपटी नाकों के साथ पुनः वैसा ही कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात, अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। दूसरी बात, अवसर हमें बार बार प्राप्त नहीं होता, जो पास आए अवसरों को सही बुद्धिमत्ता से उपयोग करता है वही सुखी जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य अपनी बुद्धि एवं सोच के कारण ही गरीब एवं अमीर बनता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही कर्म करता है और उन कर्मों के अनुसार अपने भाग्य का वह निर्माण करता है। आए हुए अवसर को कभी जाने मत दीजिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता।
अपनी सोच और अपनी बुद्धि को हमेशा ही शक्तिशाली रखिए। बिना सोचे समझे किसी कार्य में जल्दबाजी करने से वह काम निश्चित ही बिगड़ जाया करता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।